नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आनंद वाली लाइफ के एक नवका व्लॉग में। आज आप सोच रहे होंगे हम घर के अंदर से स्टार्ट काय कर रहे हैं, ऐसे तो बाहर से करते हैं क्योंकि बाहर हम देख रहे हैं रोशनी बढ़िया आता है तो चिकन चुनमुन लगते हैं, लेकिन अंदर में करने का ही लॉजिक है दोस्तों। मेरे जस्ट बाहर जो यहाँ पे खिड़की है देख रहे हैं, यहाँ पे वाला खिड़की देख रहे हैं, उसी घर में दोस्तों उसी घर में आ गई है दो चार गो लेडीज। इसमें लेडीज सब आ गई, हाँ वो उसी खिड़की में जिस खिड़की से कोई लड़की हमको लाइन दे रही थी। बॉय तो पता नहीं रूम चेंज हो गया बिन बताए चली गई दोस्तों। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी से जब से शिफ्ट किए हैं नहीं लोग तब से गेट खुले, पहले गेट बंद रहता था अब खुले है, तो वहां पे जाके बनाएंगे फोटो वोटो मांग लेगी पहचान जाएगी, तो इसीलिए दोस्तों घर में स्टार्ट किए। खैर दोस्तों हमारे एप्पल वाला घड़ी में देख लीजिए अभी बज रहा है सुबह का 12:30 और आज बहुत ही प्राउडली बोल सकते हैं कि 12:30 बजे ही खाना खा रहे हैं दोस्त। देखिए सब्जी का अनबॉक्सिंग करते हैं। आ हा 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 दोस्तों जानते हैं खाना बना के खा लेना इज इजी, लेकिन बढ़िया चीज ढूंढ के देखना खाते टाइम इज मुश्किल, बहुते मुश्किल। क्या बताया अभी 5 मिनट से हम खोजिए रहे हैं भाई देखना क्या तब लास्ट में या शार्क टैंक लगाए हैं यही देखते हैं, लेकिन शार्क टैंक देखने के बाद ये फीलिंग आता है कि एक बिजनेस खोलना चाहिए। A few moments later. दोस्तों खाना के मिडिल में देख रहे हैं, मतलब खाना मिड पॉइंट पे अब मतलब कि थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। शार्क टैंक में साला अलग पिच चल रहा है, इसमें एक लड़की आई है वो बेच रही है ब्रेस्ट मिल्क, क्या बोला तूने, अम्बिलिकल कॉर्ड का पेंडेंट बना के ज्वेलरी बना के मेरा खाने वक्त मने कैसे कैसे न करने लगा, तो अब ही अपना प्यारा दुलारा जेठालाल लगा है अब यही चलेगा। हाँ दोस्तों जेठालाल देखते देखते खाना खा के आ गया है मजा, तो अब इस मजा को थोड़ा सजा में बदलते, सजा नहीं मतलब कि अब थोड़ा सा एडिटिंग करने बैठते हैं दोस्तों, क्योंकि भोरे भोरे जब आप 10 बजे आ जाते हैं व्लॉग देखने के लिए तो उसके पीछे मेहनत लगता है, वही मेहनत करने जा रहे हैं। दोस्तों हीरो बनने की क्लास मतलब थिएटर क्लास जाने के लिए तैयार होकर निकल गए हैं, और आज भाई ब्लू बस नहीं पकड़ेंगे ना तो उसमें ब्लू फिल्म दिखा देता। कल साला चलान काट दिया भाई मेरा, सब स्टिंग पिस्टिंग धरल रह जाता जब पकड़ लेता तो पैसा दे नहीं पड़ता। बस हवा निकल गई, आज ऑरेंज वाला बस से आए दोस्तों तो पैसा बच गया, इंडिया हाउस पहुँच गए हैं अपना ग्रुप भी अब पार्क में दिख रहा, चलिए अब हीरो बनने का तैयारी करते हैं। 10 seconds late. दोस्तों अभी तुरंत फिजिकल खत्म हुआ हीरो बनने वाला, और दोस्तों पहले हमको लगा यहाँ के सरकार को पता चल गया केजरीवाल जी को कि हम आते हैं यहाँ पे पार्क में सीखने के लिए हीरो बनने, तो ये सब फूल सब लगाया हुआ देख रहे कितना बढ़िया लग रहा। फिर याद आया करा मौसी के ले जाई, तो वैलेंटाइन का है दोस्तों, वैलेंटाइन डे के कारण ही सब लगा, अभी यहाँ फोटो खिंचाया दोस्त मतलब की दर के भाव से जिसको बोलते है ना बीघा में बीघा फोटो लोग खिंचाया थोक, सिर्फ लाइक ही सब फोटो खिंचा रही है दोस्तों, एक को लड़का नहीं क्या बात है, तो बढ़िया गुरु जो फिदा हो जा रहे हैं वैलेंटाइन डे में चाहिए। आप बताए कब तक रहेंगे रंडवा दोस्तों बताइए, जितना फूल कोमल है ना दोस्तों उससे कोमल कली सवार है। दिल है लेकिन एक बात है दोस्तों, भगवान जो है ना दिल्ली में परी सबका डायरेक्ट सप्लाई कर, बहुत दुख है जीवन में दोस्तों क्या बता, जल्दी जल्दी सुंदर लड़की अपना वो भेजे क्या बोलते रिज्यूम। हाँ बा अभी देखे रोड पार कर रहे हैं, अभिषेक भाई को इस साइड रखे हैं ताकि गाड़ी ठोके समझे दोस्तों, इसीलिए इनको इस साइड रखते हैं कि साला हम सेफ रहे, हम बाप का एक लोग देख रहे हैं कैसे फोटो खींच रहा है। देखिए दोस्तों मंडी हाउस से पहुंच गए हैं घर पे लेके आए हैं बाजार से रोटी, अब पूछिएगा रोटी का है लेके आए, रोटी इसीलिए लेके आए दोस्तों सुबह वाला सब्जी थोड़ा सा बचा हुआ है, सब्जी रोटी खा के अभी चलेंगे दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब कौन है अगर नहीं पहचान रहे हैं तो दोस्त है राहुल भैया, उन्हीं के रूम पे करोल बाग आज वहीं रुकने का प्लान है, उनको बताए नहीं है सरप्राइज देंगे, हाल फिलहाल में कोचिंग भी ज्वाइन किए हुए हैं वाजी राम एंड रवि, चलिए देखते हैं कैसा देख के शौक रह जाएगा, उनके पास टिकट भी है मैच का, हाल फिलहाल एक टेस्ट मैच होने वाला है दिल्ली में वो भी देखने वाले, उसका टिकट आया हुआ मैच का टिकट बाय पोस्ट आता है उन्हीं के रूम पे मंगवाए, चलिए चलते हैं खा के जल्दी से। हाँ तो दोस्तों खाना खा के पूरा तैयार हो गए, शाहरुख खान के स्टाइल में बांध लिए हैं चोटी भी, चलिए तो अभी 1 सेकंड के अंदर आपको करोल बाग राहुल बैग रूम पे लेके जाते, 1 सेकंड के अंदर देख रहे हैं ना जादूगर। दोस्तों अभी करोल बाग में उतरे हैं, लेकिन जो बोली दिल्ली है मजेदार जगह, यहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं रहता, जैसे दाल है तो सिर्फ दाल नहीं वो येलो दाल, खिचड़ी है तो सिर्फ खिचड़ी नहीं है स्पेशल खिचड़ी, राजमा है तो राजमा नहीं है तरी वाली राजमा, ऐसी है चाय लिए तो हम पूछे भैया चाय है कि और कुछ है, बोला स्पेशल चाय है भैया, चलिए अब चलते हैं दरोगा साहब के पास। देखिए दोस्तों इतना खुश हुआ करिए जब मेरे साथ, खुशी दिखे ना खुशी दिखे नहीं डर लेके आइए, देखिए दोस्तों इतना खुश हुआ करिए हमको देखने को, क्या राहुल भाई आज तो फूले नहीं समा पा रहे होंगे, पढ़ रहे थे तब आईएएस का कोचिंग कैसा रहा, ठीक ठाक है समझ में आ रहा, हमको मिस भी करते कोचिंग में, सेट असली आईएएस एस्पिरेंट तो आई ही रहा राहुल भैया,
ऑफिस में अभी आ रहा है सब। कहाँ से आ रहा है? पंजाब से। अच्छा राहुल भाई छोटी कैसा लगा? हीरो लग रहे हैं। सोचे जब हीरो कोचिंग करिए रहे तो हीरो बनिए जाएंगे क्या दोस्त? अभी तो बोल रहे हीरो बात बोलिए। अभी जो बोले बस उसी को रिपीट कर दीजिए, ज्यादा कुछ मसाला बोले कुछ नहीं। <थोड़ा के। laughs> अभी जो बोले वो बोलिए ना। अच्छा कोचिंग गए तो कितना बेंच डेस्क? साढ़े चार सौ एक क्लास में दोस्तों, एक क्लास का बेंच डेस्क कितना स्टूडेंट होगा लगभग? इसका तीन गुना साइज का टीवी, वो स्टेडियम वाला फीलिंग आता होगा मैच वाला। करीब करीब बहुत टेंशन क्लास में। ये नहीं कह सकता है कि कंप्लेन कर सकता है कि हमको नहीं समझना है, थोड़ा बैक बेंचर्स थोड़ा कह सकता है। अच्छा पीछे मान्य को बैठा हो सवाल पूछना होता घोट के रह जाएगा, घोट के रह जाएगा, चाहे बहुत समझा लेगा कि समझ गए, अपने आप को तसल्ली दे देगा कि समझ गए। अच्छा आप ही बताइए राहुल भाई, अब तो आप तैयारी कर रहे हैं, मानिए बहुत लोग यूपीएससी एस्पिरेंट जो देख रहा होगा उसको क्या बोलना चाहिए, कोचिंग इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट? कोई रोल नहीं है, कोई रोल ऐसी यूपीएससी बस गाइडलाइन पढ़ना खुद से, इसीलिए दोस्तों हम नहीं ले रहे। राहुल भाई आइए गाइडलाइन मेरा हॉटलाइन सब लाइन, राहुल भाई आइए बताइएगा ना हमको। राहुल भाई अगर हीरो नहीं बने फिर तो आइए से बनेंगे। बंद करो ना इसको दोस्तों। राहुल भैया का सीरियसनेस देख के तो कैसे कितना देर में खाना बना लेते राहुल सब खाने खाना बाहर खाते बोल रहे 27 मिनट में बना लेते। कॉपी किताब का जत्था दिखा है, देखिए दोस्तों ये देखिए देख रहे हैं ये होता है यूपीएससी एस्पायरेंट, उनको थोड़ा टेंशन में। जो पढ़ाया था शांत कवासी जो है इसी समय बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों आया था, दिखाते ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, यही होता पढ़ने वाला विद्यार्थी का लक्षण, आप लोग जैसे नहीं है। अरे ये लोग क्या बोलना चाहिए, सब पढ़ रहे हम क्या पढ़ने वाले थे ने, फिर भी मतलब ये जो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है उसको क्या बोलना चाहिए? मतलब बाप मैं पैसा भेज रहा लेकिन पढ़ नहीं रहा, वैसे सब लड़का क्या बोलना चाहिए? बोलिए सही चीज में मजा करना चाहिए, मजा करो जो करना है करो। तो नंबर दे दीजिए भाभी तब ना मजा करेगा दोस्त, मेरे पास भाभी रहती तब ना आपको। अरे मेरी भाभी आपकी भाभी तो रे मेरी भाभी का ना बंद करो सब क्या। दोस्तों ये जो हमारे हाथ में देख रही है मैच का टिकट, इसको अगले ब्लॉग में अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। राहुल भाई थैंक यू बोलिए हमको। थैंक यू पूछिन कहा है का? तो बोले कहा है जब जानते नहीं जब जानते ही नहीं है थैंक यू काहे बोले, काहे थैंक यू बोले, काहे बोले थैंक यू गेस करिए। अब राहुल भैया कुछ बोलना ही नहीं, कैमरा खुले कुछ बोल क्या राहुल भैया समझे। अरे ये अगले ब्लॉग में अनबॉक्स करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों अभी इन्हीं के रूम पे है, कल सुबह डॉक्टर दिखाना है, रूम देखना है, राहुल भैया को रात भर प्यार देना है। अच्छा राहुल भैया ए इधर थोड़ा राहुल भैया, अच्छा अभी जो आपके रूम पे आया है आप सोच भी रहे काहे आ गया, भागो जल्दी से सही से बताइए राहुल भैया, मन से थोड़ा तभी से कुछ कुछ तो आवाज आ रहा धीरे धीरे। राहुल भैया सोच रहे बता दीजिए, सोच के भी क्या कर सकते रहेगा ना इतना। हमको सही में लगा था कल संडे है ना, हमको लगा आपका छुट्टी आ गया, चल झूठा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे राहुल, हम आपको मानते हैं राहुल, आप हमसे प्रेम नहीं करते यहाँ से घुसे खत्म हो गए, अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं बताने को। यहाँ देखिए यहाँ सरस्वती माता का हो गया, ये फोटो सब इसीलिए लगा के जाया जाता ताकि सेल्फ कंट्रोल हो। क्या राहुल भैया सेल्फ कंट्रोल होता है ना, गलत काम तो नहीं कर रहे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और यहाँ पे कॉपी किताब सब है, यूपीएससी वाला ही सब हुआ, अभी राहुल एडमिशन लिए हुए यूपीएससी कोचिंग में। क्या राहुल मैप सब हो गया दोस्तों संतुष्टि देने के लिए, लेकिन राहुल भैया पढ़ते हैं जॉनसन बेबी वाला, जो पुरनका ब्लॉग सब देखे होंगे जानते होंगे इसका कहानी, वो वाला गुण दोस्तों सब में। अच्छा राहुल भैया ये जो है चश्मा, ये चश्मा राहुल भैया कहाँ से खरीदे थे? ये बातें बताई नहीं जाती। देखिए रूम में घुसे, ये हो गया बाथरूम दोस्तों, बाथरूम का गेट देखिए कितना डिजाइनर है यार, देखिए सिंपल है, सो के उठ तरह पीछे जाइए,
सो के उठे हगवास लग गया, हग ले चले गए, ठीक हग के निकले खाने बैठ गए मतलब दो मीटर में कुछ नहीं है। अब देखे कि मतलब कि हग दिए महक रहा है तो खिड़की खोल ले खुलता है राहुल बस यही है। और कुछ बताना राहुल भैया रूम के बारे में? रेंट बता दे, रेंट कितना है? 8,000 ना। इस रूम का रेंट आप लोग गैस करके बताइए, वैसे है 8,000 रुपया रेंट इस रूम का। अब रेंट बताने के बाद कुछ बचा नहीं है दोस्तों बोला कि प्रेम प्रसंग निभाना। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मान लीजिए, फेसबुक पे राहुल भैया लाइक वाइक फॉलो। क्या राहुल कितना दिन में फेमस हो जाएंगे? होगा कितना दिन में डायलॉग बोल देगी क्या क्या लाइक होने में 9 महीना समय लगता है। 9 महीना से बेसी हो गया आज रिकॉर्डिंग की आज। अरे तो मेरा तो 2 साल हो गया, मेरा 2 साल हो गया। समय रखिए मतलब हो जाएंगे। लेकिन देख ले राहुल भैया जो बोलती है सही बोलती है दोस्तों। मांगे ऐसी बात पे समझ कराए।